बाजार पर हावी हुई मुनाफा वसूली, गुरुवार को बाजार में क्या हो निवेश रणनीति। 30 जून 2021 आज दिन की शुरुआत मजबूती के साथ हुई थी, लेकिन सेकंड हाफ में कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार में बिकवाली हावी होती नजर आई और अंत में सेंसेक्स निफ्टी लाल निशान में बंद हुए। निफ्टी 15,800 पर टिके रहने पर कामयाब नहीं रहा और 26 अंक की गिरावट के साथ 15,721 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स 53,126 के अपने इंट्राडे हाई से 600 अंक फिसल गया और कारोबार के अंत में 66 अंक की गिरावट के साथ 52,482 के स्तर पर बंद हुआ। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में कोरोना महामारी के एक बार फिर बढ़ते आंकड़ों और यूएस जॉब डेटा के आने के पहले यूरोपियन और अमेरिकी बाजारों में अनिश्चितता बढ़ गई है, जिसके चलते आज यूएस इंडेक्स फ्यूचर में गिरावट देखने को मिली और तमाम शेयर अपने हाल के हाई से नीचे फिसलते नजर आए। जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज के विनोद नायर का कहना है कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट एशिया के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन घरेलू बाजार को देश में कोरोना के गिरते मामलों से कुछ राहत मिली है, जिसके चलते सुबह के सत्र में बाजार का मूड अच्छा दिखा, लेकिन दोपहर के बाद ग्लोबल मार्केट के कमजोर संकेतों ने निवेशकों का मूड बिगाड़ दिया और बाजार सपाट बंद हुआ। उन्होंने आगे कहा कि ग्लोबल मार्केट जून महीने के यूएस जॉब डेटा पर नजरें टिकाए हुए है, जो यूएस फेड की पॉलिसी मेकिंग में अहम भूमिका निभाता है। कल क्या हो बाजार में निवेश रणनीति। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के चंदन तपड़िया का कहना है कि निफ्टी आज 26 अंक गंवाकर अपने निचले स्तर के करीब बंद हुआ। आज के कारोबार में निफ्टी ने डेली स्केल पर एक बियरिश कैंडल बनाया और पिछले दो कारोबारी सत्रों से लोअर लोज बना रहा है। अगर निफ्टी को 15,850 और 15,900 के जोन में जाना है तो 15,700 के ऊपर टिके रहना होगा। नीचे की तरफ इसको 15,600 और 15,500 के जोन में स्पोर्ट नजर आ रहा है। दीनदयाल इन्वेस्टमेंट के मनीष हाथीरमानी का कहना है कि आज हम फिर 15,900 के स्तर को पार करने में कामयाब नहीं रहे। यह निफ्टी के लिए बड़ी बाधा बना हुआ है। अगर हम इस बाधा को पार कर लेते हैं तो हम 16,000 की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक निफ्टी सुस्त वॉल्यूम के साथ 1,5400-1,5900 के बीच फंसा नजर आएगा। उन्होंने आगे कहा कि नीचे की तरफ निफ्टी को 15,400 पर अच्छा स्पोर्ट है और जब तक क्लोजिंग बेसिस पर नीचे की तरफ यह स्तर नहीं टूटता तब तक बाजार में तेजी की संभावना बनी रहेगी। एलकेपी सिक्योरिटीज के एस रंगनाथन का कहना है कि बाजार ने आज जोश भरी शुरुआत की, लेकिन दोपहर होते होते सारा जोश फुर हो गया और बाजार पर मुनाफा वसूली हावी हो गई। हालांकि छोटे मझोले शेयरों में दिग्गजों की तुलना में बेहतर एक्शन देखने को मिला। आज के कारोबार में पेपर शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। इस सेक्टर के टॉप 3 स्टॉक में जोरदार तेजी रही। पहली तिमाही का आखिरी दिन होने के साथ ही बाजार की नजर कंपनियों के नतीजों पर है। बीएनपी पैरिबा के गौरव रत्नपारखी का कहना है कि निफ्टी ने आज शुरुआती कारोबार में 20 डीएमए से बाउंस बैक की कोशिश की, किंतु अपनी गति बनाए रखने में कामयाब नहीं रहा। कारोबारी दिन के दूसरे सत्र में बाजार पर मुनाफा वसूली हावी हो गई। आवरली चार्ट से पता चलता है कि निफ्टी अपवर्ड स्लोपिंग चैनल के निचले छोर पर पहुंच गया है, जो कि 15,700 के स्तर पर स्थित है। इसके अलावा निफ्टी का 15,673 का स्विंग लो भी करीब है। इस स्थिति में निफ्टी 15,700-15,673 के स्पोर्ट जोन के करीब ट्रेड कर रहा है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बुल क्लोजिंग बेसिस पर इस स्पोर्ट को बनाए रख पाते हैं। निफ्टी को ऊपर जाने के लिए 15,800-15,840 के जोन में स्थित नियतम रेजिस्टेंस को पार करना होगा।